वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे रावणा सूरा मूवी के टोटल 22 डेज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि रवि तेजा की मूवी जो यानी कि रवि रावणा सूरा मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और इस मूवी का जो बजट था वो था 45 करोड़। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, इस मूवी का जो बजट था वो 45 करोड़ था और इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें भी थी लोगों को, और बट पता नहीं मतलब क्या ही हो गया फिल्म को। जैसे कि इसने अपने फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन किया है और इंडिया नेट कलेक्शन जो था वो इसका 5 करोड़ 80 लाख का था, और दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इसका जो कलेक्शन था वो था लगभग 4 करोड़। थर्ड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किया था लगभग 3 करोड़। जी हाँ गाइस, 3 करोड़। और उसके बाद फिर इसकी ये मूवी जो डाउनफॉल होता रहा और 2 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़ कर करके इसने इस मूवी को अब तक टोटल 22 दिन हो चुके हैं और इस मूवी ने टोटल इंडिया नेट जो कलेक्शन कर लिया है वो अब तक कर लिया है 22 करोड़। जी हाँ गाइस, टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो हो चुका है वो इस मूवी का हो चुका है 22 करोड़। बात करें यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 28 करोड़। जी हाँ गाइस, 28 करोड़ इस मूवी का जो कलेक्शन है वो अब तक हो चुका है। और बात करी जाए यानी कि अब ये मूवी कितना कमा रही है आज के दिन, तो क्योंकि बहुत सारी मूवी रिलीज हो चुकी हैं, जैसे कि आपको पता ही है PS 2 और उसके साथ साथ किसी का भाई किसी की जान और एजेंट एंड और मतलब बहुत सारी मूवी उसके साथ साथ, मतलब और भी बहुत सारी मूवी जैसे कि शकुंतलम मूवी हो गई और भी बहुत सारी मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी हैं। इस वजह से इस मूवी को जो है कि थिएटर से मतलब उतार दिया गया है और मतलब अभी ये मूवी थिएटर में नहीं है अभी, बट फिर भी आज के दिन ये लगभग 5 लाख रुपए कमा रही है। जी हाँ गाइस, 5 लाख का कलेक्शन कर रही है। और बात करें इसका मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है लगभग 28 करोड़। जी हाँ गाइस, 28 करोड़ इस मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है, क्योंकि मूवी का बजट है वो है लगभग 45 करोड़। तो इस वजह से इस मूवी को जो है कि फ्लॉप हो गया, मतलब कि रेटिंग मिली है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हो चुकी है। और वैसे मतलब उम्मीद के मुताबिक इस मूवी ने काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि इस मूवी की स्टोरी में कमी थी या एक्शन में कमी थी, क्या लगता है मतलब कौन सा जो पार्ट था वो मूवी का जो था बेकार या मतलब बोरिंग सा था जिस वजह से मूवी फ्लॉप हुई, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस सो मच।